हमेशा से हम चाहते हैं कि हम अपने आईफोन में एप्स लॉक कर पाए, लेकिन ड्यू टू सम और अदर लिमिटेशंस एप्पल हमें ऐप लॉक का फीचर नहीं देता इन iOS। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि एक ऐसी ऐप है जिसको यूज करके आप अपने एप्स को लॉक एंड हाइड दोनों कर सकते हैं। यू वॉन्ट टू आस्क मी कि ये ऐप कौन सी है, आज के वीडियो में हम पता लगाएंगे। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। मैं इस वीडियो में एक्स लॉकर की बात करने वाला हूं बिकॉज ये ऐप मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं, साथ ही साथ इट हैज वन ऑफ द मोस्ट बग फ्री एक्सपीरियंस और इसके प्रीमियम फीचर्स भी आप फ्री में खरीद सकते हैं। यस, तो चलिए चलते हैं प्ले स्टोर पे एंड डाउनलोड करते हैं एक्स लॉकर ऐप एंड वेट करते हैं जब तक ये डाउनलोड होता है इन माई आईफोन। नाउ लेट्स जस्ट ओपन द ऐप। अब यहाँ पे हमें हर एक स्क्रीन पे इसकी सारी परमिशंस को अलाउ करना है। टैप ऑन कंटिन्यू, 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 अलाउ विथ फेस आईडी, ओके, टैप ऑन डन एंड वंस द ऐप इज सेट अप आपको टैप करना है ऐड आइकन पे एंड यहां से आपको काफी सारी अलग कैटेगरीज मिलेगी ऑफ एप्स जिनमें से आप चूज कर सकते हैं या तो फिर ऑल एप्स एंड कैटेगरीज में जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ इफ आई वॉन्ट टू हाइड फेसबुक तो मैं जाऊंगा सोशल पे और सिलेक्ट करूंगा फेसबुक को एंड टैप ऑन डन। वंस डन एज यू कैन सी यहां पे आपको अभी फेसबुक दिख सकता है। व्हेन आई सर्च इट ओवर हियर यू कैन फाइंड फेसबुक। इन फैक्ट यहां मेरे सोशल फोल्डर में भी आपको फेसबुक मिल जाएगा एंड स्पॉटलाइट सर्च में भी अगर मैं फेसबुक सर्च करता हूं तो भी आपको यहां पे फेसबुक दिखाई देगा। बट व्हाट इफ आई जस्ट गो बैक इनटू द एक्स लॉकर ऐप, टैप ऑन थ्री डॉट आइकन, टैप ऑन प्रोटेक्ट मोड एंड यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे फेसबुक को हाइड करना है या तो लॉक करना है। फॉर नाउ लेट जस्ट सिलेक्ट हाइड एप्स एंड टॉगल ऑन कर देते हैं फेसबुक का। एज सून एज आई गो बैक एंड एज सून एज आई जस्ट सर्च फेसबुक फ्रॉम ऐप लाइब्रेरी, आप देख सकते हैं यहाँ पे फेसबुक गायब हो चुका है। इनफैक्ट मेरे सोशल के फोल्डर से भी फेसबुक गायब हो चुका है और अगर मैं जाता हूँ स्पॉटलाइट सर्च पे एंड इफ आई सर्च इट अगेन फेसबुक तब भी यहाँ पे आपको फेसबुक सजेस्ट नहीं करेगा स्पॉटलाइट। तो ये तो हो गई बात की प्राइवेट एप्स को कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो बाय हाइडिंग इट। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि आप अपनी एप्स को लॉक भी कर सकते हैं। टू डू दैट आपको चले जाना है वापस एक्स लॉकर में एंड यहाँ पे थ्री डॉट आइकन पे टैप कीजिए। फ्रॉम प्रोटेक्ट मोड सिलेक्ट लॉक एप्स। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे एज सून एज अ गो बैक एंड सर्च फॉर फेसबुक एंड एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे को फेसबुक का ऑप्शन दिखता है बट इट इज ब्लर्ड आउट और जैसे मैं इस पर टैप करूंगा रिस्ट्रिक्टेड लिखा आ जाएगा एंड आई वोंट बी एबल टू यूज फेसबुक। नाउ इफ यू जस्ट टैप ऑन ओके तो ऐप क्लोज हो जाएगी। सो दिस इज वन थिंग फ्रॉम विच यू कैन लॉक और हाइड एप्स यूजिंग एक्स लॉकर। तो ये तो बात हो गई कि कैसे आप अपनी एप्स को प्राइवेटली लॉक एंड हाइड कर सकते हैं। बट वॉट इफ आई टेल यू कि आप अपनी ऐप को स्केड्यूल कर सकते हैं कि कब वो लॉक रहेगी या फिर वो कब हाइड रहेगी वेरी इजीली। इसके लिए आपको चले जाना है एक्स लॉकर ऐप में, टैप करना है थ्री डॉट बटन पे एंड फ्रॉम हियर इफ आई चूज स्केड्यूल मोड तो यहाँ पे मेरे को तीन ऑप्शंस मिलते हैं, प्रोटेक्ट इमीडिएटली, प्रोटेक्ट व्हेन टाइम लिमिट, प्रोटेक्ट एज स्केड्यूल। तो अगर मैं प्रोटेक्ट इमीडिएटली करता हूँ तो जो रिजल्ट आपने पहले देखे थे ये वही करेगा, इमीडिएटली आपको लॉक एंड हाइड कर देगा ये। बट इफ आई सिलेक्ट प्रोटेक्ट व्हेन टाइम लिमिट तो कितनी मिनट ऑफ यूसेज के बाद ये ऐप फेसबुक को लॉक करेगा ये भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, या तो फिर अगर आपको करना है अकॉर्डिंग टू टाइम तो वो भी आप कर सकते हो। यू हैव टू सिलेक्ट प्रोटेक्ट एज स्केड्यूल में एंड यहाँ पे आप टाइम लिमिट सेट कर सकते हो कब से कब तक आपकी जो ऐप है वो लॉक रहेगी या तो हाइड रहेगी। तो ये बात हो गई कि ये ऐप कौन से फीचर्स ऑफर करता है एंड कैसे आप स्केड्यूल कर सकते हो अपने प्रोटेक्शन मोड को टू प्रोटेक्ट सम ऑफ योर एप्स। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि यार कोई भी इस ऐप को ओपन करके अंदर कुछ भी सेटिंग्स चेंज कर सकता है, इवन प्रोटेक्शन ऑफ कर सकता है आपकी एप्स की, तब वो ना हाइड होंगी ना वो लॉक रहेंगी। लेकिन इसमें एक इलाज दे रखा है कि आप इस ऐप में पर्टिकुलरली पासवर्ड सेट कर सकते हैं, बिना पासवर्ड को इनपुट किए ये ऐप नहीं ओपन होगा। वो कैसे करते हैं उसके लिए आपको चले जाना है वापस एक्स लॉकर ऐप में एंड टैप करना है सेटिंग्स आइकन पे एंड फ्रॉम हियर यू कैन टॉगल ऑन पासवर्ड।
जैसे ही मैं इसका टॉगल ऑन करता हूँ, मेरे से पूछेगा कि पासवर्ड डालिए, आई एम गोना इनपुट 000000000. एंड जैसे ही मैं इस ऐप को बंद करता हूँ एंड व्हेन आई ओपन इट, इट विल गोना आस्क मी फॉर द पासवर्ड, आई एम गोना पुट 000 अगेन. एंड एज यू कैन सी, ये ऐप ओपन हो जाता है. साथ ही साथ आप इस ऐप का आइकन भी चेंज कर सकते हैं. हियर आर 6 सजेशन जो आप यूज कर सकते हैं टू डिस्गाइज दिस ऐप, एंड इट इज वन ऑफ द फैंटास्टिक फीचर जो मेरे को लगता है ऑफ दिस ऐप, बिकॉज कोई भी दूसरा बंदा आपकी ऐप को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा कि ये एक एक्स लॉकर ऐप है. लेकिन बस एक कैवियट ये है कि ये जो पासवर्ड प्रोटेक्शन का फीचर है ऑफ दिस ऐप इज अ पेड फीचर. बट वॉट इफ आई टेल यू कि आपको इस पेड फीचर के लिए 0 पैसा देना पड़ेगा. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट ओपन दिस ऐप, गो टू सेटिंग्स, एंड जैसे ही आप इसके प्रीमियम ऑप्शन पे जाते हैं तो वहां पे जो सेकंड ऑप्शन होगा 0 for lifetime, उस पर टैप कर दीजिए, पेमेंट प्रोसेस हो जाने दीजिए. एंड जैसे ही पेमेंट प्रोसेस होगा, ये ऐप के सारे फीचर अनलॉक हो जाएंगे फॉर यू. सो वैसे सिक्योर करना चाहते हो अपने आईफोन एक्सपीरियंस को, तो जाओ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन ताकि आप ऐसे सारे अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत पा ले. साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करते जाना एंड कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बताइएगा कि कौन सी ऐसी ऐप्स है जिसको आपको हाइड करना जरूरी है. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, उनको भी ताकि पता चले कि कैसे आईफोन में आप अपनी ऐप्स को हाइड एंड लॉक कर सकते हैं. अगर आप एप्पल फैनेटिक हो, जो कि तुम हो तभी ये वीडियो देख रहे हो एंड तक, तो जाओ IGBA ऐप डाउनलोड करो फ्रॉम ऐप स्टोर एंड एंजॉय एवरीथिंग एप्पल कंटेंट. मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में. तब तक के लिए टाटा, सिया, बाय.